औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम देखने वालों को अस्सलामु अलैकुम। और अपनी इस लाइव सेशन का आगाज़ नबी पे दुरूद भेज के करते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाला आली मुहम्मद। तमाम देखने वालों को सबसे पहले मैं खुश आमदीद कहूँगा। मेरा नाम उमर शहजाद है और आज हम फेसबुक लाइव सीरीज़ के अंदर आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। मेरे साथ माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर के कोलीग राना इमरान अरशद साहब मौजूद हैं और हमारे गेस्ट जनाब उमर साहब, जो कि वीज़ाज और जितनी भी स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज़ वीज़ा के हसूल के हवाले से क्या क्या इंफॉर्मेशन या क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, उन सब के एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। तो आप दोनों को भी मैं वेलकम कहता हूँ और तमाम देखने वालों को भी वेलकम कहता हूँ। हमारी सीरीज का मकसद अब सिर्फ ये होगा कि जिस तरह से पिछला एक सेशन हुआ था उमर साहब के साथ, उसके अंदर हमने यही डिस्कस किया था कि इट्स वेरी डिफिकल्ट कि तमाम चीजों को आधे घंटे के एक लाइव सेशन के अंदर कवर किया जाए। तो उसमें प्रपोज्ड यही था कि हम लोग सीरीज बनाए, सीरीज के अंदर एक हर कंट्री वाइज एपिसोड डिवेलप करें। तो उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर ये हमारा आज पहली एपिसोड है जिसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल हम कोशिश करेंगे कि सबसे पहले हम जर्मनी की अवेलेबल जो भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं और उसके अलावा जो स्टूडेंट्स के लिए स्टडी अपॉर्चुनिटीज़ हैं एंड ओवरऑल जो इमिग्रेशन पॉलिसीज़ हैं जर्मनी की, उनको डिस्कस करें, जो कि हमारे एक्सपर्ट हमें कुछ ना कुछ ज़रूर बताएंगे। तो स्टार्ट करने से पहले जी, सबसे पहले मैं आप दोनों मेहमानों से चाहूँगा कि आप थोड़ा सा अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन करवा दें। इमरान साहब से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने इंट्रोडक्शन के साथ ही एमआरसी का इंट्रोडक्शन करवा दें, और उसके बाद उमर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जिस मकसद के लिए काम कर रहे हैं, एक पेज आपने डेवलप किया हुआ, बेशुमार आपके फॉलोअर्स हैं, तो मेनली आप उसका भी बता सकते हैं कि क्यों कर रहे हैं और इससे कितने लोगों को फायदा हासिल हो सकता है। तो ओवर टू इमरान अरशद साहब। थैंक यू सो मच उमर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह उमर ने बताया कि मेरा नाम राना इमरान है और मैं माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर लाहौर में एज अ एमआरसी काउंसलर अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। और माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर के बारे में हमारे बहुत सारे फेसबुक लाइव सेशंस हैं जिनमें हमने डिटेल इंट्रोडक्शन दिया है। जिन लोगों ने आज हमें पहली दफ़ा हमारे फेसबुक लाइव सेशन को ज्वाइन किया, उनके लिए माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर के बारे में थोड़ा सा बताना ये चाहूँगा कि माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर बुनियादी तौर पर जो लोग बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद हैं या जा रहे हैं या प्रोसेस करना चाह रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं, उन लोगों की रहनुमाई का मरकज़ है जहाँ पे लोगों को अथेंटिक, एक्सेसिबल और अंडरस्टैंडेबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, ताकि जो भी लोग फैसला साजी जब बैरून मुल्क के हवाले से कर रहे हों तो वो अपने लिए एक बेहतर और मुफीद फैसला कर सकें और ख़ुद को महफूज रख सकें। इसके साथ साथ मैं माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर में बैरून मुल्क गैर कानूनी तरीक़ाकार में दरपेश मसाइल, खतरात और नतायज के बारे में भी आगाही फराहम की जाती है। हमारी चार सर्विसेज हैं जिसमें सबसे पहले काउंसलिंग है। काउंसलिंग में मालूमात फराहम करते हैं, जैसा कि डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बताते हैं, रिक्वायरमेंट्स के बारे में बताते हैं, उसके बाद प्रोसेस के बारे में बताते हैं। और इसके अलावा जो है, अगर किसी को बैरून मुल्क के हवाले से किसी भी किस्म की कोई वेरिफिकेशन दरकार है रिगार्डिंग वीज़ा स्टिकर्स, जॉब ऑफर लेटर्स या जॉब एडवर्टाइजमेंट, तो वो भी हम मुतल्लिका इदारों से लोगों को जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट वेरिफिकेशन करके देते हैं। इसके अलावा जो है वो हमारा रेफरल मैकेनिज्म है। अगर बैरून मुल्क पहुँचने के बाद ओवरसीज़ पाकिस्तानीज को या पाकिस्तान में रहते हुए ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ माइग्रेशन जो है वो अगर किसी के साथ कोई मसला, परेशानी या किसी की कोई शिकायत है, तो जब वो हमारे साथ राबता करता है तो हम उसकी शिकायत को डायरेक्टली तो हल नहीं करते, लेकिन हम उसकी शिकायत की नौइयत को देखते हुए उसकी शिकायत दर्ज करवाने में उसको मुतल्लिका इदारों में लिंक करवा देते हैं और उसको शिकायत दर्ज करवाने में मदद फराहम करते हैं ताकि उसके मसले परेशानी को हल किया जा सके। थर्ड वन जो है वो प्री डिपार्चर ओरिएंटेशन सेशंस हैं। ये मोस्टली जो लोग रेडी टू डिपार्चर होते हैं हम उन लोगों को प्री डिपार्चर ओरिएंटेशन सेशन देते हैं, जिसमें जो कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन है, जिस मुल्क में लोग जा रहे हैं वहाँ के जो कवानीन हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, लॉज हैं, वहाँ पे उनके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, डूज एंड डोंट्स हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में बताने के साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो अवेलेबल सपोर्ट मैकेनिज्म है उनकी इंफॉर्मेशन भी लोगों को देते हैं, ताकि कल को अल्लाह ना करे किसी के साथ कोई मसला या परेशानी आती है तो वो वहाँ पे रब्ता कर सकें।
फोर्थ वन आउटरीच है जिसके तहत हम ये लाइव सेशन भी कर रहे हैं कि हम जहाँ पे डायरेक्टली मैसेज नहीं पहुँच पा रहा होता तो हम वहाँ पे मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलके, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज के साथ मिलके, टीवेट इंस्टीट्यूट्स के साथ मिलके, मुख्तलिफ जो सेलिब्रिटीज हैं उनके साथ मिलके हम लोगों तक माइग्रेंट रिसोर्स सेंटर की खिदमात के बारे में जो है वो लोगों को इंफॉर्मेशन सेशंस देते हैं, लोगों को सेफ माइग्रेशन के बारे में बताते हैं, रेगुलर माइग्रेशन के कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में बताते हैं, जिसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव एक ही है कि लोग जब बैरून मुल्क जाएं या जा रहे हों तो वो फुली ओरिएंटेड हों, और जब वो डिसीजन ले रहे हों तो वो उनका जो डिसीजन है वो इन्फॉर्म्ड डिसीजन हो। और जितनी भी हमारी मालूमात हैं ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, हम किसी भी बंदे से किसी भी मद में किसी भी लेवल पे कोई चार्जेस नहीं लेते। और इसके अलावा ये ज़रूरी नहीं है कि जो बंदा चल के हमारे पास आता है हम सिर्फ उसी को इंफॉर्मेशन देते हैं या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, बल्कि हमारा हॉटलाइन नंबर है 0304111223, हमारी वेबसाइट है www.mrc.org.pk, हमारा फेसबुक पेज है, हमारा लिंक्डइन ट्विटर अकाउंट है, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0300111671। तो किसी भी वाय से ये कोई भी बंदा जब हमें रीच आउट करता है तो हमारे काउंसलर्स मंडे टू फ्राइडे 9 to 5 PM उनको जो है सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। थैंक यू जी इमरान साहब, आपने बड़ा ब्रीफली ऑर्गेनाइजेशन का तारुफ करवा दिया एंड आई एम वेरी मच होपफुल, मैं कोशिश करके साथ साथ वो नंबर्स को भी रन करता रहा, और जिन जिन दोस्तों को वो नंबर चाहिए था या जिस तरह कमेंट सेक्शन के अंदर भी मैसेजेस आने लग गए कि नंबर फराहम किया जाए तो मैं साथ साथ वो प्रोवाइड करता रहा। अब हम चलते हैं जी हमारे एक्सपर्ट की जानिब। उमर साहब प्लीज अगर आप थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दें ताकि हम फिर बाद में जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है आज के एपिसोड का उसकी तरफ हम आ सके। थैंक यू जी, शुक्रिया सबको। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम इस लाइव सेशन में, और औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो नबी पाक सल्लम की आल पे दुरूद पाक का तोहफा भेजेंगे, अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। और उम्मीद करता हूँ ये लाइव सेशन आप सबके लिए बहुत ज्यादा फायदे का बायस होगा। आप भी जो लाइव देख रहे हैं और बाद में जब ये अपलोड हो जाएगी ऑटोमेटिकली फेसबुक पे अवेलेबल होगी वीडियो, तो उसके बाद भी काफी हजारों लोगों तक इंशाल्लाह इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी। तो सबसे पहले मैं बताता चलूँ, मेरा नाम उमर है और जर्मनी से मैं लाइव सेशन इस वक्त आपके लिए कंडक्ट कर रहा हूँ MRC के तावन से, जो कि अपने काम में अब जो मैं समझता हूँ यदतुदा रखते हैं, और वहाँ जैसा एक इदारा है जो पाकिस्तान में इस तरह की नोबल कोज के लिए एफर्ट्स कर रहा है, चाहे किसी भी वे में कर रहा है, किसी भी तरीके से कर रहा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कर रहा है। और मेरा तारुफ छोटा सा ये है कि आप लोग मुझे काफ़ी अर्से से यूट्यूब के हवाले से या फिर फेसबुक के हवाले से शायद जानते हों, अगर आप लोग इमिग्रेशन प्रोग्राम्स के हवाले से इन्फॉर्मेशन सर्च करते हैं या फिर स्क्रोल डाउन करते हुए कभी रिकमेंडेड वीडियो के तौर पर भी मेरी इन्फॉर्मेशन शायद आपके सामने आई हो। और मकसद यही है जो दोनों अहबाब ने बताया कि किस तरह से लीगल इमिग्रेशन जो है उसको मजीद प्रिवेल किया जाए, आप लोगों तक उसकी इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाए ताकि पाकिस्तान से जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है उसका खात्मा हो और बैरूनी दुनिया में पाकिस्तानी जो लेबर फोर्स है या फिर हाईली क्वालिफाइड इमिग्रेंट्स हैं हमारे, उनकी जो है वो हेल्प हो सके, वो किस तरह से प्रॉपरली लीगल रस्ते तलाश कर सकें, बाहर के ममालिक में सेटल हो सकें, और पाकिस्तान के लिए जो कीमती ज़र मुबादला है जो कि अब शायद आने वाले वक्तों में 100% उसके लिए शायद हम एक इंडस्ट्री का लफ्ज़ इस्तेमाल करना शुरू कर दें, ये एक तरह से हमारी एक इंडस्ट्री बन जाएगी इंशाल्लाह ताला, और हमें कीमती ज़र मुबादला मिलेगा, प्लस पाकिस्तान का नाम रोशन करने का मौका भी मिलेगा, और जो स्किल्ड लोग हैं हमारे वो मजीद अच्छी स्किल्स हासिल कर पाएंगे बाहर के ममालिक में जाके, और बाद में वापस आके कंट्री को भी सर्व कर सकते हैं। जैसा कि रिसेंटली हमने देखा काफ़ी सारे अशास ने हुकूमती लेवल्स पे भी हुकूमतों की भी मदद की है बाहर से ट्रेनिंग हासिल करके, वो लोग कभी ना कभी किसी ना किसी तरीके से इन्हीं मराहल को तय करते हुए बाहर के ममालिक में गए। तो छोटी सी हमारी ये कोशिश है लाइव सेशंस की MRC के तावन से, और इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि फ्यूचर में भी इस तरह के और मजीद प्रोग्राम्स किए जाएंगे। तो अभी वन बाय वन मैं कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स देना पसंद करूंगा, जब उमर मुझसे पूछेंगे तो उम्मीद है आप लोग इस्तेफादा कर पाएंगे इस लाइव सेशन से। कोशिश ये करें कि इससे पूरे लाइव सेशन से जुड़े रहें चाहे जितनी भी देर चले, ताकि आप लोगों का क्वेश्चन जो कि किसी ना किसी लेवल पे जरूर एड्रेस हो जाएगा, मुझे उम्मीद है।
थैंक यू वेरी मच जी उमर भाई. हमारा ये मोर और लेस जो सेशन होगा वो डिस्कशन कॉन्टेक्स्ट के अंदर होगा, और मैं उन लोगों के जो क्वेश्चंस जब हम फील्ड के अंदर जाते हैं तो जो जनरली क्वेश्चंस कर रहे होते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि एक्सपर्ट ओपिनियन आपसे लूं. इमरान भी मेरे साथ हैं, वो भी एक फील्ड को ही हमेशा देखते रहे, और मेनली ये बताना चाहूँ क्योंकि जिस तरह से हम लोगों ने बात की इलीगल माइग्रेशन की, तो मेरा और इमरान साहब का एक्सपीरियंस पुराना यही रहा है कि वो भी मेन हब के अंदर काम करते रहे हैं, इलीगल माइग्रेशन के जो कॉन्सिक्वेंसेज है उसके हवाले से अवेयरनेस देते रहे, गुजरात के अंदर मंडी बाउद्दीन, गुजरांवाला, सियालकोट जो मेन हब है इलीगल माइग्रेशन के, तो जो वहां से जिस तरह के सवाल आते थे हम कोशिश करेंगे कि हम आपके सामने भी वो रख सके, ताकि जो जनरली लोगों के जेहन में सवाल है, प्लस वो लोग जो इंटेंडिंग माइग्रेंट्स हैं जिनके जेहनों के अंदर है कि हम लोग बस बाहर चले जाएं, उनके लिए क्या क्या एवेन्यूज हैं बीइंग ए पाकिस्तानी सिटीजन. तो सर कुछ आगाज करते हैं. अभी रिसेंट आपकी एक वीडियो भी देखी जिसके अंदर आपने जिक्र किया, हमें भी पता लगा न्यूज वगैरह के थ्रू, कि जर्मनी इज ओपन टू ऑफर इमिग्रेशन फॉर स्किल्ड लेबर्स. उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर आपको पाकिस्तानीज का क्या स्कोप नजर आ रहा है, पाकिस्तानीज इन अपॉर्चुनिटीज को कैसे परसू कर सकते हैं, प्लीज जी थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, ताकि तमहीद बांधना चाहूंगा, ताकि आगे की इन्फॉर्मेशन जो है वो बहुत से लोगों को समटाइम्स सच नहीं लगती, स्पेशली जब बात होती है लीगल रस्तों की, लीगल माइग्रेशन के हवाले से, तो बहुत से लोग कतराते हैं, शॉर्टकट्स ढूंढते हैं. थोड़ा सा मैं तमहीद बांधना चाहूंगा ताकि कुछ हेल्प हो सके ऐसे लोगों को मेरे साथ चलने की, ताकि मैं जिस मरहले पे लेके जाना चाहूंगा आगे इस लाइव सेशन में, वहां पे जाने के लिए उनको कुछ हेल्प हो सके. सबसे पहले तो जर्मनी की बात की जाए, जर्मनी हम सब लोग जानते हैं कि एक रेवोल्यूशन से गुजर के अब बाकायदा एक इंडस्ट्रियल कंट्री बन चुका है, काफी हाई लेवल पे जा चुका है, और इसी वजह से जर्मनी को अब एहसास हुआ है कि उसको अपनी इंडस्ट्री को आगे मजीद लेके चलने के लिए हुनरमंद अफराद की जरूरत है, चाहे उसको वो बैरून ममालिक से भी रिक्रूट करने पड़े अपनी इंडस्ट्री के लिए, जैसा कि यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इस तरह के ममालिक ऑलरेडी यूएसए कर रहे हैं. इन चीजों की जरूरत जर्मनी को क्यों पड़ी, ये सबसे पहले पाकिस्तान में तो लाइमलाइट में तब आया, इससे पहले भी आना चाहिए था लेकिन नहीं आ पाया, लेकिन अभी आया जब जो नई कोलिशन गवर्नमेंट है एफडीपी, एसपीडी और ग्रीन्स की, उसके जो कोलिशन इनकी जो है उसके एक पार्लियामेंट्री रुकन है क्रिश्चियन ड्यूर, उन्होंने एक वर्कशॉप वो है हुआ था, यानी इकोनॉमिकल वीक सेशंस हुए थे जर्मनी में जनवरी में, तो वहां पे उन्होंने कहा था कि जर्मनी को अब कोशिश करके हर साल जो है वो 4 लाख अफराद जो हैं वो रिक्रूट करने पड़ेंगे नॉन ईयू कंट्री से. और इस मौके पे उनकी एक कोट जो है मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा ताकि आप लोग मजीद इस्तफादा हासिल कर पाए प्रॉपरली. उन्होंने इस मौके पे कहा था कि द शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड वर्कर्स हैज बिकम सो ग्रेट दैट इट्स having a massive impact on our economy. We can only get the problem of aging under control workers through modern migration policy. We have to reach the target of 400,000 foreign professionals per year as soon as possible. So, FDP, jo coalition government ki member hai, uske rukun ka ye bayan bahut important hai. Aur isi bayan ka yaada isse pehle ek Herr Schley naam ke chief hai, Bundesagentur für आबाइट, एक इदारा है, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट एजेंसी है जर्मनी में. बहुत से लोग जो जर्मनी में रहते हैं वो शायद इसको 100% जानते होंगे. उन्होंने भी 27 अगस्त 2021 में कहा था कि जर्मनी को अब अपनी जो पॉलिसी है वो असाइलम इमिग्रेंट से हटा के जो फाखरिफ्टे हैं, जो हुनरमंद अफराद हैं, उनके लिए बनानी पड़ेगी, ताकि सही मानों में गवर्नमेंट को इसके जो हैं वो फायदे हासिल हो सकें. और इसी बुनियाद पे हमने देखा था कि जून 2019 में एक लॉ पास हुआ था फाखरिफ्टे सुवांदरुंग गजेट्स के नाम से, इसका मतलब है फाखरिफ्टे कहते हैं हुनरमंद अफराद को, सुवांदरुंग इमिग्रेशन गजेट्स कहते हैं कानून को. तो इस लॉ को इम्प्लीमेंट किया गया था, पास किया गया था, गजट का हिस्सा बनाया गया था जून 2019 में, और कहा गया था उस मौके पे कि इसको स्टार्ट किया जाएगा 1 मार्च 2020 से, और प्रॉपरली वाकई ही इसी डेट को, जैसा कि जर्मन फेमस है अपनी पुंक्टली स्काइट, हम यहाँ पे एक बिनुत्सन वी एन वर्ट एक लफ्ज यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं कि पाबंदी वक्त, तो 1 मार्च 2020 को वाकई ही इसका स्टार्ट किया गया. और जो रिपोर्ट्स मेरे पास आई थी कि मार्च 2021 से लेकर दिसंबर 2021 तक तकरीबन 30,000 अफराद ने इस वीजा पॉलिसी के थ्रू फायदा उठाया, जो कि बढ़ के जून 2000
सॉरी मार्च 2020 से लेकर दिसंबर 2020 तक 30,000, और आगे फिर मजीद अगले साल जून 2021 तक तकरीबन 50,000 अफराद इस प्रोसेस के थ्रू जो है वो इस फाह क्रिफ्ट सुवानदरुंग गजट्स के थ्रू वीज़ा हासिल कर पाए, अपनी लाइफ यहाँ पे बना पाए, जिसमें बड़ी तादाद जो है अल्बानिया, कोसोवो और इंडियंस की थी। तो यहाँ पे एक छोटी सी मैं आपको मिसाल देना चाहूंगा कि जर्मनी ने अपने सिस्टम को भी मॉडर्नाइज करने का, मॉडर्नाइज पैटर्न्स क्या है, मॉडर्नाइज पैटर्न्स हैं कि किस तरह से पॉइंट्स बेस्ड सिस्टम के थ्रू एक आसान तरीका वजह किया जाए, ऐसे तमाम अफराद की हेल्प की जाए जो कि हुनरमंद हैं, ताकि उनको जर्मन लेबर इंडस्ट्री में लेके आया जाए और वो लोग यहाँ पे काम कर सकें प्रॉपरली इजी वीजा प्रोसेस के थ्रू। क्योंकि पहले जर्मनी वैसे भी डेमोक्रेटिक फेजेस की वजह से काफी फेमस है कि यहाँ पे डेमोक्रेटिक इश्यूज बहुत होते हैं, सॉरी ब्यूरोक्रेटिक इश्यूज, और यहाँ पे ब्यूरोक्रेटिक इश्यूज की वजह से हर काम डिले होता है। लेकिन अभी इसको इमिग्रेशन सिस्टम्स को मजीद रिवाइज किया जाएगा, इसीलिए इसी जो ये एंगला मर्कल के दौर में लॉ बनाया गया, इसी को आगे बढ़ाते हुए अभी फर्दर जो है वो नवंबर 2021 में एक कोलिशन गवर्नमेंट का मंशूर आया, जिसमें एफडीपी, एसपीडी और ग्रीन्स ने यहाँ पे एक काम कर एक सौ सके प्रॉपरली इजी वीजा प्रोसेस के थ्रू, जो कि पहले जर्मनी वैसे भी एफडीपी, एसपीडी और ग्रीन्स ने यहाँ पे तकरीबन 178 पेजेस का एक मंशूर बनाया, जिसके सफा नंबर 138, 39, 40, 41, 42, इन तमाम सफात पे इमिग्रेशन सिस्टम्स का भी जिक्र किया गया, और वहां पे बताया गया कि कैसे जर्मनी फ्यूचर में अपना जो है वो सिस्टम चेंज करेगा। नेशनलिटी के हवाले से 3 साल के अरसे में नेशनलिटी दी जाएगी वेल इंटीग्रेटेड लोगों को, 5 साल के अरसे में ऐसे अफराद को जो ओवरऑल जर्मनी में लीगली रह चुके हैं, और इसके अलावा मॉडर्न इमिग्रेशन पॉलिसी अपना के ऐसे अफराद को जर्मनी आने की इजाजत दी जाएगी जो कि इंडस्ट्रियल वर्क कर सकें, हुनरमंद अफराद जो हैं वो इससे फायदा उठा सकें। तो एंगेला मर्केल की हुकूमत का 2019 का लॉ, और अभी ओलाफ शोल्स जो हैं एसपीडी के जो चांसलर हैं जर्मनी के, उनका यह नया लॉ, ये शो करता है कि जर्मनी को अपना जो डेमोग्राफिक इम्बैलेंस है, और उसके अलावा जो उसकी कोविड की वजह से पॉलिसीज थी, वर्थशाफ्ट जो उसकी इकोनॉमी है वो, उसको बहाल रखने के लिए ये तमाम लॉज या रेगुलेशंस उन्होंने अभी इम्प्लीमेंट करनी है। और बड़ी वजह के इस साल के एंड तक तकरीबन 3 लाख अफराद की कमी होगी, और इसलिए कि 3 लाख अफराद जो हैं वो रिटायर्ड एज को पहुंच जाएंगे, यही कमी 2029 में बढ़ के 6,50,000 अफराद, और ओवरऑल जो है कहा जा रहा है कि 10 साल के अरसे में ऑलमोस्ट तकरीबन 2030 तक, यानी ऑलमोस्ट 5 मिलियन अफराद जो वर्किंग फोर्स से निकल जाएंगे, जो बूढ़े हो रहे हैं। वजह यह है कि यहाँ पे मॉडर्न जिंदगी का अंदाज अपनाया गया अमेरिका को फॉलो करके, तो शादियों का रुझान कम, इसीलिए बर्थ रेट भी कम, तो बहुत से लोग कम हो जाएंगे फ्यूचर में, वर्किंग जो फोर्स है वो कम होगी, बूढ़े अफराद की तादाद जो है वो ज्यादा हो जाएगी। तो इसी को कवर करने के लिए इतना बड़ा बयान दिया क्रिश्चियन डर ने 2022 इसी साल में जनवरी में, कि क्यों 4 लाख अफराद रिक्रूट करने पड़ेंगे अपने इस डेमोग्राफिक जो है इम्बैलेंस है वर्किंग फोर्स का, उसको कवर अप करने के लिए। जबरदस्त हो गया। चार मेरे जेहन के अंदर काफी सारे सवाल हैं, लेकिन मैं पहले इमरान साहब को पहले रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि उन्होंने मुझे बिल्कुल मैसेज किया कि इसी से रिलेटेड कुछ उनका भी सवाल है, और मैं अपना सवाल भी छोड़ता जाऊंगा कि सर ये तो ओवरऑल ब्रॉडर स्पेक्ट्रम के अंदर जो उन्होंने अपनी डिमांड को मीट करना ये उनका परस्पेक्टिव था, पाकिस्तानी इसके लिए क्या नजर आ रहा है या पाकिस्तानी इसको क्या करना चाहिए? इमरान साहब का पहले क्वेश्चन ले लेते हैं और फिर बाद में अगर आप इसको साथ ही एड्रेस जी करें जी बिस्मिल्लाह प्लीज इमरान। ऑब्वियसली जी, थैंक यू उमर भाई, बड़ी जो है वो यूज़फुल इंफॉर्मेशन है फॉर इंटेंडिंग माइग्रेंट्स जो जर्मनी जाना चाहते हैं, कि जर्मनी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उनके लिए बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन थी। थोड़ा सा मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह आपने बात की कि जर्मन्स ने लॉ पास किया, और कौन कौन सी जॉब्स हैं जो अभी जो है वो ओपनिंग आ रही है जॉब्स की, या किस किस्म की जॉब्स हैं जिनकी ओपनिंग हो रही है, और किस किस्म के जो है वो लोगों के लिए हैं, ताकि जो है वो लोग उस तरह से अपने आप को जो है वो फर्दर जो है वो उस लाइन में लेके जा सकें। जबरदस्त सवाल है, और इसका जवाब मैं जो है वो पैरेलल दूंगा साथ लॉ की इंफॉर्मेशन देते हुए, ताकि समझने में आसानी हो। टाइप्स ऑफ वीजा के हवाले से मैं बताऊंगा अभी, और लोग खुद बहुत ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे कि किस
किस किस के लिए कौन कौन सा हकार जो है वो प्रॉपरली यूजफुल हो सकेगा फ्यूचर में। 2020 मार्च में जब ये लॉ निकाला गया तो इसमें चार पांच चेंजेस बड़ी की गई कि जर्मनी में पहले जब आप लोग काम के लिए अप्लाई करते थे वर्क वीजा के लिए तो रेजिडेंस परमिट के लिए ऑफेंथाल से लॉबनस के लिए ऑफेंथाल स्टिटल के लिए तो उस वक्त जरूरी होता था कि आपका जो एम्प्लॉयर था वो आपको स्पॉन्सर करे, आपको जॉब ऑफर दे और उसके बाद बुंडस अगेंटुर ऑफ मिग्रेशन एंड फ्लूशनिंग एक इदारा है बम्फ के नाम से, उससे फोरांग प्रूफिंग के नाम से एक सर्टिफिकेट होता था वो लेके दे कि यूरोप में जो है या फिर जर्मनी में लोगों की कमी है इस हुनरमंद फील्ड के लिए, तो पाकिस्तान से, इंडिया से, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान फॉर एग्जाम्पल जहां से भी बंदा आ रहा है उसकी मुझे जरूरत है। तो इसको खत्म किया गया, इस रेजीम को खत्म किया गया। दूसरे नंबर पे जो वर्क वीजा वाले अफराद थे उनके लिए आसान ये बनाया गया कि इस तरह की फोरांग प्रूफिंग जो है वो करने की इजाजत नहीं है हाईली क्वालिफाइड लोगों के लिए एम्प्लॉयर को, यानी एम्प्लॉयर के पास आपने जॉब हासिल की, हाईली क्वालिफाइड हैं किसी भी फील्ड में, मैनेजर्स हैं आप लोग, एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं आप लोगों के पास, एक 14 से 16 साल की डिग्री है, तो आप लोग इस इमिग्रेशन प्रोग्राम के लिए वर्क वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपका एम्प्लॉयर एट ईज हो गया है जो पहले मुश्किलात का शिकार होता था, इसके लिए मुझे अप्लाई करना पड़ेगा फोरांग प्रूफ के लिए, ये करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा, भी खत्म। एम्प्लॉयर को आपने जो है वो रीच आउट किया, जॉब ऑफर ली, वर्क कॉन्ट्रैक्ट लिया, तो आप लोग वीजा अप्लाई कर सकते हैं हाईली क्वालिफाइड अफराद जो कि मैनेजरियल लेवल की जॉब्स करते हैं या फिर ऐसी जॉब्स करते हैं जिनके लिए डिग्री की जरूरत होती है, यानी डिग्री वाले अफराद जो हैं, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर में हैं, आईटी सेक्टर में है, आईटी सेक्टर बहुत ब्रॉडन वे में जर्मनी में इस वक्त ऊपर जा रहा है, डिजिटलाइजीरूम के नाम से जो है वो जर्मन अपना तमाम शोबा जात अभी चेंज कर रहे हैं, पेपर वर्क यहाँ पे बहुत होता है उसको चेंज करके वो डिजिटलाइजेशन की तरफ आ रहे हैं, तो वो आईटी स्पेशलिस्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है और हर साल 70,000 अफराद आप कह सकें तो उनके लिए मौके खुले हैं, ओपन है जर्मनी में आके काम करने के लिए। और नॉर्मली आम लोगों के लिए जरूरी होता है जब जर्मनी का वर्क वीजा अप्लाई करें तो रिकग्निशन यहाँ पे करवाएं, तो आईटी स्पेशलिस्ट चूंकि आईटी एक यूनिवर्सल नॉलेज के तौर पे मानी जा चुकी है पूरी दुनिया में, उनके लिए इवन रिकग्निशन की शर्त भी खत्म की गई और इवन आईटी वाले अफराद अगर डिग्री नहीं भी रखते और सिर्फ एक्सपीरियंस रखते हैं और वो उसके लिए जर्मनी से अगर रिकग्निशन ले लेते हैं कुछ इदारों से तो बिना डिग्री के भी हाईली क्वालिफाइड अफराद वाला वीजा, वर्क वीजा अप्लाई कर सकते। नंबर दो पे जॉब सीकर वीजा पे ऐसे लोगों को मौके पहले फराहम किए जाते थे जिनके पास डिग्री होती थी, वो अब भी जा सकते हैं 6 माह के फंड शो करके जर्मनी आ सकते हैं, जॉब फाइंड कर सकते हैं, यहाँ से जॉब मिलेगी तो वो लोग आगे वर्क वीजा में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको स्ट्रीमलाइन किया गया, इजी किया गया ऐसे अफराद के लिए जो कि वोकेशनल ट्रेनिंग से तलक रखते हैं, जिनके पास डिप्लोमास हैं, 3 साल के डिप्लोमास हैं, अप्रेंटिसशिप है, फॉर एग्जाम्पल एसोसिएट डिप्लोमा जो होते हैं इंजीनियरिंग के, मैकेनिकल में हमारे पास हैं पाकिस्तान में कुछ लोगों ने टेप्टा से, इन बोर्ड से किए हुए 3-3 साल के, मैकेनिकल में है, इलेक्ट्रॉनिक्स में है, इलेक्ट्रिकल में है, इस तरह के शोबे हैं, क्राफ्ट्समैन जो हैं, प्लम्बिंग में जिनके पास डिप्लोमा है स्पेशली, कार पेंटिंग में, इस तरह के। फॉर एग्जांपल अगर कुछ अफराद के पास डिप्लोमा नहीं भी हैं तो ट्रेड टेस्टिंग बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का बहुत कमाल का इनिशिएटिव था, उनसे आप टेस्ट दे के अपनी, मुझे सही प्रॉपर उसकी इन्फो नहीं है लेकिन वहां पर टेस्ट दे के आप लोग डिप्लोमा या सर्टिफिकेट गवर्नमेंट से अप्रूवशुदा जो है वो हासिल कर सकते हैं, जिसके थ्रू ये लोग भी जो क्राफ्ट्समैन हैं, जो स्किल्ड अफराद हैं किसी भी तरह के, जितने भी स्किल्ड वर्क्स हैं, मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, रेफ्रिजरेशन में, एनवायरमेंट कंट्रोल में, फॉरेस्ट्री में, किसी भी तरह के शोबा जात हैं वो लोग इसमें शामिल हो सकते हैं, वीजा अप्लाई कर सकते हैं। इनके लिए दो बहुत कमाल की चीजें हैं, दो जो वीजा निकाले गए जिनके बारे में लोगों को पता ही नहीं। नंबर एक, ये अफराद जॉब सीकर वीजा 6 मंथ्स का भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी फॉर एग्जाम्पल इनके पास 3 साल का डिप्लोमा प्रोग्राम है, सर्टिफिकेट है, प्लस B1 लेवल पे अगर ये लोग जर्मन लैंग्वेज सीख लेते हैं पाकिस्तान से किसी ना किसी तरीके से, मुश्किल है लेकिन ट्राई करने वालों की ही जीत होती है, और उसके अलावा अगर ये लोग 6 माह के फंड्स रखते हैं अपने पास, कुछ 7 तक फंड शो करने होते हैं, बैंक स्टेटमेंट के नाम से लोग इसको जानते हैं, तो ये लोग जॉब सीकर वीजा अप्लाई कर सकते हैं। जर्मनी का 6 माह का वीजा होता है जिसके बाद आप लोग जर्मनी आके जॉब तलाश करके वीजा कन्वर्ट कर सकते हैं। पहले जो हाईली स्किल्ड वीजा वाले हाईली स्किल्ड वर्कर्स थे और ये अभी जो स्किल्ड वर्कर्स हैं डिप्लोमा वाले, इन दोनों के लिए चांस मजीद दिया गया है नई वीजा पॉलिसी के थ्रू कि आप लोग अब 10 घंटे वीक में काम भी कर सकते हैं, तो यू कैन मेक योर बोथ हैंड्स मीट और आप लोग अब थोड़ा सा काम करके जो है वो थोड़ी कमाई भी कर सकते हैं जब तक आपको जॉब ना मिले, तो जॉब हासिल करने के बाद आप लोग जो है वो वीजा भी हासिल कर सकते हैं। तो सबसे अहम बात जो मुझे बहुत अच्छी लगी कि वोकेशनल ट्रेनिंग हासिल करने के लिए जो जर्मनी में आउसबिल्डिंग कहलाती है
और हर तरह के स्किल्ड काम के लिए करना जरूरी होती है, उसके लिए भी यंग अफराद जर्मनी आ सकते हैं। 25 साल तक उम्र हो मैक्सिमम उन यंग अफराद की और उनके पास जर्मन लैंग्वेज का B2 लेवल हो, थोड़ा मुश्किल नेवियो है लेवल है, लेकिन आप लोग इसको रीच कर सकते हैं थोड़ी मेहनत करके, क्योंकि आगे ब्रॉडम स्पेक्ट्रम में देखें तो आपकी लाइफ बहुत अच्छे अंदाज में सेटल हो सकती है जर्मनी में। तो 25 साल तक एज हो आपकी, B2 लेवल जर्मन लैंग्वेज का आपने क्लियर किया हो, तो आप लोग जर्मनी में वोकेशनल ट्रेनिंग का वीजा भी हासिल कर सकते हैं। वहां पे जाके आप लोग सर्च करके वोकेशनल ट्रेनिंग हासिल कर सकते हैं। पाकिस्तान से टफ लगता है, लेकिन वहां पे जाके चांसेस जर्मनी आके यहाँ पे मजीद बढ़ जाते हैं। इसके अलावा ऐसे अफराद जो कि मेरी तरह के अफराद हैं जो कि कम पढ़े लिखे हैं, या फिर ऐसे अफराद जिनकी कमियां हैं अपने शोबे में, मसलन आप लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हैं और आपके पास प्रॉपर डिप्लोमा या सर्टिफिकेट पूरी तरह से नहीं है, या फिर आपकी स्किल्स जो हैं वेल पॉलिश नहीं है, आप मैकेनिकल में हैं, इलेक्ट्रिकल में हैं, रेफ्रिजरेशन में हैं, किसी भी तरह के हुनरमंद अफराद की लिस्ट अगर निकाली जाए, आप लोग सर्च कर सकते हैं गूगल में जर्मन ऑक्यूपेशंस वाइट लिस्ट के नाम से, उसमें तमाम शोबे आ जाते हैं, स्किल्ड, हाईली स्किल्ड, हर तरह के। अगर आप लोग अप्लाई करते हैं किसी जर्मन एम्प्लॉयर के पास और आप लोगों को कहा जाता है जी आपकी स्किल्स में ये चीजें मिसिंग हैं, या आप पूरी कर लें तो दोबारा अप्लाई कर सकते हैं, वो लेटर आप अपने पास रखें और उसके बाद आप लोग जर्मनी का रेजिडेंस परमिट हासिल कर सकते हैं। उस लेटर की बेस पे जो स्किल्ड वर्कर ट्रेनिंग होती है उसकी बुनियाद पे आप लोग गवर्नमेंट को शो करेंगे, एम्बेसी को, कि आप लोगों के एम्प्लॉयर ने आपको कहा है कि ये डेफिशिएंसीज हैं, ये कमियां हैं, स्किल्ड आपकी जो है, स्किल्स जो हैं वो कम हैं, ये पूरी करें। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग प्लम्बिंग में हैं तो मॉडर्न प्लम्बिंग इंस्टॉलेशन आपने फॉर एग्जाम्पल डिप्लोमा लिया हुआ है, एसोसिएट डिप्लोमा, लेकिन आपके पास फॉर एग्जाम्पल नॉर्मल ट्रेड का डिप्लोमा है और अब आप लोगों को कहा गया है कि हमारी कंपनी है, हमारी कंपनी की जरूरत है ऐसे अफराद की जो कि फॉर एग्जाम्पल 100 फ्लोर वाली इमारत में जो है वो प्लम्बिंग का पूरा काम कर सकें, तो उसके लिए पैरामीटर्स मॉडर्नाइज वे में सीखने पड़ेंगे। पुराने लोग जो 90-95 की दहाई में कर चुके हैं वो शायद इससे फायदा ना उठा सकें, तो वो सीखने के लिए मजीद सिर्फ वो स्किल सीखने के लिए भी इवन आप लोग जर्मनी का रेजिडेंस परमिट फॉर डेवलपमेंट स्किल डेवलपमेंट के नाम से वीजा है वो अप्लाई कर सकते हैं। 18 माह से 20 माह का ये वीजा होगा और वहां पे आप लोग ये तालीम का जो डेफिशिएंसी क्लियर करके 1 साल की 1.5 साल की तो वहीं पे फिर उसी कंपनी में किसी और कंपनी में जॉब हासिल करके इसको वर्क परमिट में भी तब्दील कर सकते हैं। इसके लिए लैंग्वेज लेवल जो है वो A2 चाहिए। तो ये सारा मैं आसानी से आपको नाम भी लेके दे सकता था कि इमरान भाई और उमर और के ये शोबे हैं, प्लम्बिंग है, लेकिन मैंने तफसीलात इसलिए बताई ताकि आप लोग ताकि आप लोग इसको रिलेट कर सकें कि कौन से शोबे हैं और किस तरह से किन वीजा के लिए आप लोग उनके लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। थैंक यू अमर भाई, बहुत जो है वो यूजफुल इंफॉर्मेशन है फॉर अस टू के हम लोगों को जो है वो रेफर कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं ये चीज़ें। तो बिल्कुल आपने बिल्कुल अच्छा किया कि आपने जो है वो सेग्रीगेट कर दिया कि अगर किसी के पास कोई डिग्री है तो या डिप्लोमा है या शॉर्ट टर्म डिप्लोमा है, या अगर किसी के पास जो है वो स्किल उस लेवल का इनहांस नहीं भी है तो वो भी। तो थोड़ा सा बस इसी सवाल की कंटिन्यूशन के अंदर थोड़ा सा ये बताइएगा कि कर तो सकते हैं तो इसके लिए कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है या कोई बेसिक या एडवांस किस्म की जो रिक्वायरमेंट है उनके बारे में थोड़ी सी तफसील शेयर कर दें ताकि और थोड़ी सी आसानी हो जाए। बिल्कुल, ये जो है वो सवाल समझ लें कि मरकजी ख्याल है इस तमाम लाइव सेशन का, यहीं पे आके तान टूटती है और लोग परेशान भी होते हैं कि उमर भाई सब आपने बता दिया लेकिन अप्लाई कैसे करें रिक्वायरमेंट्स को, हाउ टू मेक बोथ हैंड्स मीट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले एक पॉइंट समझना कि जर्मनी की लेबर मार्केट थोड़ी सी डिफरेंट है कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके से। यहाँ पे ब्यूरोक्रेटिक सख्तियां बहुत ज्यादा हैं। एम्प्लॉयर है वो आपको रिक्रूट करना चाहता है, आपकी सीवी से राजी भी है, लेकिन जब तक रिक्वायरमेंट्स पूरी होंगी वो आपको रिक्रूट नहीं कर सकता। रिक्वायरमेंट्स क्या है? सबसे पहली रिक्वायरमेंट तो ये है कि आप अगर जर्मनी लेबर मार्केट में एंटर होना चाहते हैं, यहाँ पे वर्क वीजा लेके आना चाहते हैं, लीगल वे से जॉब हासिल करना चाहते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे एक लफ्ज इस्तेमाल होता है अनाकेनुम, ये कहते हैं रिकग्निशन को, आपकी क्वालिफिकेशन की रिकग्निशन होनी चाहिए जर्मनी से अगर आप लोग यहाँ पर आके काम करना चाहते हैं। दो इदारे हैं, एक तो हाईली क्वालिफाइड लोग हैं, वो ZAB के नाम से एक इदारा है, सिट आ बे हम उसे यहाँ पे कहते हैं, वहां पे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। 200 यूरो शायद उनकी फी है, वो आपकी डिग्री को एवेलुएट करके जो जर्मन उसका ट्रांसक्रिप्ट है वो आपको बना के दे देंगे कि आपकी डिग्री
जर्मनी में जो है वो किस लेवल पे है। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान की पुरानी डिग्रीज जो हैं वो 14-16 साल की, वो अभी फॉर एग्जाम्पल 16 साल का मास्टर्स है वो पूरी दुनिया में ग्रेजुएशन के बराबर समझा जाता है, लेकिन अभी जो ऑनर्स डिग्री है 16 साल की ग्रेजुएशन वो अभी फॉर एग्जाम्पल मानी जा रही है ग्रेजुएशन के लेवल पे, तो वो रिकग्निशन हासिल करना बहुत जरूरी है। यानी आप लोग अगर हाईली क्वालिफाइड हैं, ग्रेजुएशन की हुई है, तो आप लोग हासिल कर सकते हैं ये तमाम इंफॉर्मेशन ZAB की वेबसाइट पे जाके। अगर आप लोग स्किल्ड वर्कर हैं, सबसे इंपॉर्टेंट जो ये लोग जिसमें सबसे ज्यादा लोगों का रुझान होगा, कम पढ़े लिखे अफराद स्किल्ड वर्कर जिनके पास सिर्फ डिप्लोमाज हैं या फिर सिर्फ और सिर्फ उनके पास जो है वो एक्सपीरियंस है स्किल्ड वर्क का, तो वो लोग इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। अनाकेनुंग इन डॉचलैंड के नाम से एक वेबसाइट है, थोड़ा सा स्पेलिंग आपको शायद ANNERKUNG आगे इन डॉचलैंड, जर्मनी को डॉचलैंड कहते हैं हम जर्मन में, अनाकेनुंग इन डॉचलैंड .DE के नाम से एक वेबसाइट पे आप लोग जाएंगे तो वहां पे जाके इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी कि कैसे आप लोग अपनी ट्रेड को, अपनी स्किल को जो है वो रिकग्नाइज करवा सकते हैं जर्मनी में। उनको आपको अपने डॉक्यूमेंट सेंड करने पड़ेंगे, वर्क एक्सपीरियंस के डॉक्यूमेंट्स, तो वो लोग आपको एक रिपोर्ट बना के भेज देंगे कि जर्मनी में आप लोग किस लेवल पे हैं इस ट्रेड या फिर स्किल के हवाले से। तो ये इन्फॉर्मेशन जब कंप्लीट हो जाएगी तो आप लोग उसके बाद बेहतर है कि एम्प्लॉयर से रब्ता करें। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल रिकग्निशन करवा लें, अनाकेन करवा लें अपने डॉक्यूमेंट्स की, अपने स्किल्स की रिकग्निशन करवा लें, रिपोर्ट आपके पास आ जाए इन ईदर वेज, चाहे हाईली क्वालिफाइड हो तो ZAB, अगर स्किल्ड वर्कर हैं या कम क्वालिफाइड हैं तो अनाकेनुंग इंडोस्टान के पोर्टल से जाके रिकग्निशन आपके पास आ गई। 1 महीना 2 महीना में आपको ऑनलाइन भेज देते हैं, डोंट वरी, फास्ट प्रोसेस है। उसके बाद आप लोग कोशिश करें कि जर्मन सीखें किसी भी तरीके से, किसी भी तरीके से जर्मन सीखें, थोड़ी बहुत सीखें, मुश्किल है लेकिन लोग सीखते हैं। इवन वो लोग भी यहाँ पे सीखते हैं जो शादी करके आते हैं, वो भी औरतें जो कभी घर से बाहर ही नहीं निकली, 10 पढ़ी 8 पढ़ी वो भी सीख लेती हैं A1 A2 लेवल पे जर्मन, वो भी सीख लेती हैं। तो आप लोग जो इंग्लिश थोड़ी बहुत समझ सकते हैं, जर्मन सीखना उनके लिए काफी बेहतर हो सकता है, ऑनलाइन काफी पोर्टल्स अवेलेबल हैं। जर्मन कोशिश करें A2 B1 लेवल तक जरूर पाकिस्तान से सीख जाएं, आपके चांसेस 100% बढ़ जाएंगे। रिकग्निशन करवा ली, थोड़ी बहुत जर्मन सीख ली, उसके बाद रीच आउट करें, जर्मन में मौजूद डिफरेंट एम्प्लॉयमेंट पोर्टल्स हैं जैसा कि मेक इट इन जर्मनी के नाम से, गवर्नमेंट का अपना इदारा है जो कि जॉब्स में हेल्प करता है। इसके अलावा बुंडेस एजेंटू ऑफ आर्बाइट का जॉब बेज है, यानी आप लोग अगर लिखें BAA जर्मनी तो आपके पास बुंडेस एजेंटू ऑफ आर्बाइट की वेबसाइट ओपन होगी, उसमें आगे फिर जॉब बेर्जे जॉब पोर्टल के नाम से इस तरह का एक आएगा, वहां पे भी बहुत ज्यादा जॉब्स इशू की जाती हैं। वहां पे आप लोग रजिस्टर करके अप्लाई तो नहीं कर सकते लेकिन एम्प्लॉयर का डेटाबेस है पूरा लाखों एम्प्लॉयर्स का, वहां से उनके आप लोग लिस्ट बना सकते हैं आपके शोबे से रिलेटेड कौन कौन से जॉब्स अवेलेबल हैं। ऊपर एक कीवर्ड सिर्फ डालें, फॉर एग्जाम्पल सिर्फ परम्बल डालें, लिखें उधर जॉब बेर्जे पे जाके, तो नीचे लाखों आपके पास हजारों जो है वो शोभा जात खुल के आएंगे। वहां से तमाम एम्प्लॉयर का डाटा निकाल लें, उनकी कंपनी को बाद में आप लोग डायरेक्टली ईमेल कर सकते हैं। ईमेल कैसे करनी है थोड़ा सा ट्रिकी है। जर्मनी में जॉब अप्लाई करने के लिए 2 चीजें हैं, आप लोग CV लेबनस्लाफ हम इसे कहते हैं, उसके बाद कवर लेटर उसे हम अनश्राइबन कहते हैं। 2 चीजें इंपॉर्टेंट हैं, किसी ना किसी तरीके से किसी से हेल्प लेके, आपने गूगल ट्रांसलेटर से हेल्प लेके किसी भी तरीके से जर्मन में अपनी CV बनानी है, और फोटो के साथ CV होनी चाहिए, साथ कवर लेटर दोनों CV। आप बहुत से लोग ऐसा करते हैं जर्मन एम्प्लॉयर को CV भेज देते हैं, अब कंपनीज हैं, कंपनीज में 8-10 शोबाजात होते हैं, आप CV भेज देंगे इसका क्या मतलब है, कवर लेटर साथ नहीं लगाते। कवर लेटर आपने लाजमी लगाना है, उसमें लिखा होना चाहिए आपका एड्रेस, नाम, डिटेल्स, साथ आपको कवर लेटर के एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे ऑनलाइन, ठीक है। जर्मन में अगर आपने लिखना है तो आप लोग लिख सकते हैं अनश्राइबन मुंस्टर बाइस्पील, सॉरी यहाँ पे पॉज करके भी लोग इसको कॉपी कर सकते हैं, गूगल में ले सकते हैं, मुंस्टर बाइस्पील फॉर अनश्राइबन, इस तरह लिखने आपको टेम्पलेट्स मिल जाएंगे, वरना मेरी वेबसाइट पे आकर देख लें आपको हर तरह की चीजें अवेलेबल हो जाएंगी। तो कवर लेटर CV आपने जर्मन में बना के जर्मन एम्प्लॉयर को उसके बाद ईमेल करनी है, कोशिश करें गूगल ट्रांसलेटर की मदद से या अपनी थोड़ी बहुत जर्मन सीखने की मदद से जर्मन में ईमेल करें, फिर ही आपको रिस्पांस मिलेगा। इंग्लिश में IT सेक्टर के अलावा समझें कि ऑलमोस्ट मुश्किल तरीन है कि आपको रिस्पांस मिले, क्योंकि जर्मनी में जर्मन जबान चलती है, तो ये बहुत जरूरी है। रिकग्निशन करवाएं, उसके बाद आप लोग थोड़ी बहुत जर्मन सीखें, प्रॉपर जो मैंने पोर्टल बताए हैं 3-4, इसके अलावा एम्प्लॉय लैंड है, मेक इट इन जर्मनी है, जॉब बर्जे है, उसके अलावा इंडीड और इस तरह के प्राइवेट भी बहुत ज्यादा हैं यहाँ पे जाके भी, रानस्टाड है, इस तरह के
पोर्टल पे भी जाके आप लोग जर्मनी में, वरना आप गूगल कर सकते हैं, गूगल के थ्रू भी आपको डायरेक्टली आगे नीचे सारी लिस्ट निकल आएगी, आपको लिस्ट मिल जाएगी। तो ये कुछ स्टेप्स थे कि किस तरह से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। जब एक दफा आपके पास जॉब एम्प्लॉयमेंट ऑफर आ जाती है, वर्क कॉन्ट्रैक्ट दे देते हैं एम्प्लॉयर आपको, तो आप लोग जर्मन एम्बेसी में अपने पासपोर्ट के साथ अपने तमाम डॉक्यूमेंटेशन ये जो रिक्वायर्ड हैं लगा के, एक फॉर्म, वीजा एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा जर्मन एम्बेसी से आपको, उनकी वेबसाइट से तमाम डिटेल्स जर्मन एम्बेसी ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से अपनी वेबसाइट पे दी हुई हैं। वो फॉर्म कौन सा फिल करना है, कितनी फ़ी पे करनी है, ये जॉब एम्प्लॉयमेंट ऑफर कॉन्ट्रैक्ट लगा के कैसे वीज़ा अप्लाई करना है। एक दफ़ा आपके पास जॉब एम्प्लॉयमेंट ऑफर आ जाए तो ये समझे कि वीज़ा लेटर ही है, आगे से एम्बेसी ना नहीं करती इसको। जबरदस्त हो गया, जबरदस्त उमर भाई, थैंक यू वेरी मच। इमरान साहब ने काफ़ी हद तक जो सवाल किया या जो मेरे माइंड के अंदर भी थे उनको सारों को एड्रेस कर दिया। अच्छा उमर भाई, एक जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, देखिए हम लोग क्योंकि यहाँ पे भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं जिन्होंने हमें लाइव ज्वाइन किया हुआ, मोस्टली उसके अंदर एजुकेटेड लोग हैं, ठीक हो गए, सारी इन्फॉर्मेशन उनके लिए बेनिफिशियल होगी। मैंने शुरू में एक जिक्र किया था कि हम लोग ग्राउंड के ऊपर काम कर रहे हैं और जिस ग्राउंड का मैंने जिक्र किया था वहां से जो इलीगल माइग्रेशन है वो अरूज पे होती है। हम लोग जब उनसे ये अवेयरनेस प्रोग्राम सेशंस भी करते थे तो वो लोग टोटली इलिटरेट होते थे। इस सेशन से पहले भी एक तो हमारा जो जो टेक्निकली हम उनको हैंडल करते थे वो यही था कि हम लोग उनको रीडायरेक्ट करते थे टेफ्टा या टीवैट इंस्टीट्यूट की तरफ, ताकि कुछ ना कुछ उनके पास कोई स्किल होगा तो कहीं ना कहीं कोई ऑफरिंग ऐसी आ जाती है, या ऐसी ऑफरिंग ना भी हो तो जो आपके बायलैटरल एग्रीमेंट्स हमारे जीसीसी कंट्रीज के साथ है, कम से कम हम उधर उनको कुछ ना कुछ भेज सकते हैं या कर सकते हैं। ये एक अच्छी चीज है कि इसके ऊपर भी मैं समझता हूँ कि अब जिस तरह से उन्होंने जर्मनी इतना ओपन हुआ है कि स्किल्ड माइग्रेशन के लिए या स्किल्ड वर्कर्स के लिए वो इतना ओपन है कि वहां पे आए और जो प्रोसेस आपने बताया वो बड़ा आसान है, और अपकमिंग डेज या अपकमिंग टाइम के अंदर जो पॉइंट स्कोरिंग के हवाले से है वो भी एक आसान चीज चली जाती है। मैं थोड़ा सा और इसके अंदर एक चीज जानना चाहूंगा, लेट्स से लेबर के अंदर तो हम लोग बिल्कुल जनरल हेल्पर भी एक काउंट करते हैं, उसको किस परस्पेक्टिव से आप लोग देखते हैं? क्योंकि यहाँ पे जब हम लोग भी अपने एक्सपीरियंस को मैं सामने रखते हुए बात कर रहा हूँ, वहां पे टोटली इलिटरेट लोग भी हैं लेकिन जो फैंटेसाइज होते हैं बड़े बड़े घर देख के, या जो लोग अब्रॉड चले गए हैं इलीगल तरीके से, उनको देख के वो जो फैंटेसाइज होते हैं तो उनका भी वही प्रोसेस होता है कि वो लोग भी उसी चैनल को अडॉप्ट करें और चले जाएं। उन लोगों के लिए आप क्या सजेस्ट करते हैं जो कि बिल्कुल टोटली इलिटरेट हैं बट दे आर विलिंग टू मूव, लेकिन अगर हम उनको इस परस्पेक्टिव से देखें कि वो जनरल हेल्पिंग के लिए अगर आगे आ सके। बहुत से लोग वाकई जो लाइव सेशन देखते हैं या बाद में भी अप्रोच करते हैं, उनमें बड़ी तादाद, जैसे आपने कहा, ग्राउंड लेवल पे ऐसे अफराद की हैं जो कम पढ़े लिखे हैं, जनरल वर्कर्स हैं। देखें, दो बातें हैं, एक कड़वी बात है और एक थोड़ी होपफुल बात भी है। पहली तो बात यह है कि फ्यूचर जो है वो स्किल्ड लोगों का होने जा रहा है। अब दुनिया चेंज हो रही है, मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रही है, इंडस्ट्रियलिज्म बढ़ रहा है, ज़रई मुल्कों में भी, जैसे पाकिस्तान जैसे ममालिक भी अब ज़राअत से निकल के इंडस्ट्री की तरफ जा रहे हैं। तो ये नहीं हो सकता, दोए जहानी मुट्ठी बाऊ नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता आप कुछ करें भी नहीं और फिर आप कहें कि हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज ओपन हो जाएं। ठीक है, कुछ ना कुछ स्किल आपको सीखनी पड़ेगी। मैं आपको, अब ये थोड़ी कड़वी बात थी कि बिल्कुल स्किल्ड बंदे जो हैं, नॉन स्किल्ड हैं, वो नहीं जा पाते कहीं पे भी। लेकिन अब थोड़ी सी होपफुल बात ये है कि जर्मनी जैसे ममालिक में, यकीन करें, पढ़े लिखे बंदे मिल जाते हैं इंडिया से, बाकी कई ममालिक से, उनको पाकिस्तान से, इस तरह के ममालिक से। लेकिन सबसे बड़ी बात है जो स्किल्ड लेबर है वो नहीं मिलती उन्हें, और उसके लिए वो सबसे ज़्यादा परेशान रहते हैं। मिसाल के तौर पर एक बंदा है, मंडी भाउद्दीन से है, झेलम से है, कहीं से भी है, सालमगीर से है, कारियाँ से है, वो पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद हुनर तो सीख सकता है कोई थोड़ा बहुत। फॉर एग्जाम्पल, मोटर मैकेनिक बन सकता है, कार मैकेनिक बन सकता है। जर्मनी में कार इंडस्ट्री इतनी बड़ी है, और यहाँ पे जो कार इंडस्ट्री में जो यहाँ पे वर्कशॉप्स में काम करने वालों की भी शदीद कमी है। यानी अगर उनको जर्मन मिलते हैं तो वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। इसीलिए जब एक 2015 में एक सैलाब उमड़ के आया इमिग्रेंट्स का, जो कि असाइलम सीकर्स थे, सब जर्मनी में एंटर हुए, और उनमें बड़ी तादाद शामियों की थी, इराक में रहने वाले अफराद की थी, अफगानिस्तान में रहने वाले अफराद की थी। उनमें से बहुत से अफराद जो हैं वो मोटर मैकेनिक या फिर ऑटो इंडस्ट्री में गए, ऑटो मैकेनिक बने,
यकीन करें वो इस वक्त बहुत ज़्यादा अच्छी सैलरी कमा रही हैं। मैंने ऐसे लोगों से भी जिन्होंने मास्टर्स किया हुआ है और वाइट कलर जॉब के थ्रू जर्मनी आए हैं। तो अब ऐसी भी बात नहीं है कि जनरल वर्कर्स के लिए कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ हैं। सबसे पहले जनरल वर्कर्स की बात कीजिए तो 1960 में जैसा जर्मनी ने रिक्वेस्ट की थी पाकिस्तान से कि दूसरी वर्ल्ड वॉर के बाद अपना मुल्क बनाना था उन्होंने, तो पाकिस्तान से रिक्वेस्ट की थी लेबर दें, किसी वजह से नहीं पाकिस्तान दे सका, तो बाद में तुर्की से ली गई और इसीलिए अभी 5 मिलियन तक अफराद तुर्की के यहाँ पे हैं जो कि उस वक्त के आए हुए हैं और बेस्ट लाइफ गुजार रहे हैं। तो सबसे पहले जनरल वर्कर्स के लिए तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट को कुछ एफर्ट्स करनी पड़ेंगी अपने बिहाफ पे, एग्रीमेंट्स करके किसी भी तरीके से कि इनकी जो लेबर मार्केट में कंपनीज को जनरल लेबर दी जाए किसी तरीके से। जो आम अफराद बचते हैं जो कि अपने आप पे रह के आगे बढ़ना चाहते हैं, जमी आना चाहते हैं और पढ़े लिखे नहीं हैं, 10 से कम पढ़े लिखे हैं, उनके लिए एक ही मौका है कि वो लोग को काम सीखें, प्लम्बिंग सीखें, ट्रेड टेस्टिंग बोर्ड से उसका सर्टिफिकेट, या फिर मोटर मैकेनिक की सीखें। उसके अलावा वो लोग ऑटो मैकेनिक बन सकते हैं, ऑटो इलेक्ट्रिशियंस बन सकते हैं। यहाँ पे डिफरेंट हराद का काम करने वाले फराद स्पेशली वो यहाँ पे सबसे ज्यादा अगर कहें कि महंगी जो है वो सर्विसेज होती हैं उनकी होती हैं। बहुत कम तादाद में लोग अवेलेबल हैं इस तरह के कामों, क्राफ्ट्समैन हैं, जो फर्नीचर का काम है यहाँ पे गोरे फर्नीचर इतना बहुत पसंद करते हैं, और बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, आईकिया आपने नाम सुना हो स्वीडन की, जैसे पूरी दुनिया में उसका फर्नीचर जाता है, और रोलर है जैसे इस तरह की बहुत सेक मुला बहुत बहुत बड़ी फर्नीचर कंपनीज हैं, इनमें इनको क्राफ्ट्समैन की जरूरत होती है, कारपेंटर्स की। तो प्लीज आप लोग कोशिश करें ये काम मॉडर्न तरीकों से, मॉडर्न मशीनों से सीखें, जैसा कि फॉर एग्जांपल आप लोग सर फेसबुक पे यूट्यूब पे वीडियोस देखते होंगे क्राफ्ट्स वाले, पांडा ओरिजिनल इस तरह के मुख्य चैनल्स बने हैं, वो इतने इतने जबरदस्त मॉडर्न तरीकों से कुर्सी बना रहे होते हैं ये वो, कि सिर्फ उनकी वीडियो देखने के लिए लोग वीडियो देखते रहते हैं। तो अगर आपके पास इस तरह की स्किल्स होंगी तो लोग आपको रिक्रूट क्यों नहीं करेंगे, आप एक सीवी बना के अपनी एक वीडियो छोटी सी बना के उस ईमेल में भेजें उस एम्प्लॉयर को, उस कंपनी को, कोई ना कुछ इनवाइट शायद कहीं से जरूर हो जाए। आपकी स्किल अगर इस लेवल की है, चाहे आप लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, देखें या तो पढ़ना पड़ेगा या स्किल हासिल करनी पड़ेगी। अगर आप ये कहें कि मैं पैकिंग करूंगा इसकी जॉब मुझे जर्मनी में मिल जाए, तो ये देखें ये नहीं थोड़ी पॉसिबल, सी, देखें थोड़ी थोड़ी सी सी जर्मनी को जरूरत है वर्कर्स की, पूरी दुनिया में वर्कर्स की जरूरत है इंडस्ट्रियल कंट्रीज को, लेकिन उसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि मैं बिल्कुल पैकिंग वाला काम करूंगा जाके, या वहां पे बिल्कुल समोसे हाली बेचने, इस तरह तो नहीं काम चलेगा। थोड़ा सा तो मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी सी आपकी बात भी इनको सुननी पड़ेगी, आप लोग सेशंस करते हैं बताते हैं, देखिए ये तो करना पड़ेगा। अगर आप लोग जान जोखों में डाल के इलीगल मीन्स यूज करते हैं, डंकी लगा के बाहर जाते हैं, बॉर्डर्स पे क्रॉलिंग करते हुए, रिंगते हुए, नहरों में छलांगे लगा के, जान जोखों में डाल के ये इतना मुश्किल रास्ता इस्तेमाल करते हैं 8-8 लाख, 10-10 लाख दे के, थोड़ा सा प्लीज इस तरफ भी आ जाएं, यकीन में करें मैं आपको गारंटी देता हूं आपको फायदा होगा। अगर जर्मनी में ना भी होगा किसी और कंट्री में हो जाएगा, बहुत सी अपॉर्चुनिटीज हैं। तो जो जनरल लेबर है उसके लिए यही है कि इस तरह की स्किल्स हासिल करें, जब इस लेवल पे पहुंच जाएं थोड़ी थोड़ी सा जर्मन सीखना शुरू करें। यार आजकल मोबाइल का दौर है, आपके हाथ में टीचर है, एप्स डाउनलोड करें, इजी जर्मन लर्निंग है, इंग्लिश टू है, उसके अलावा एक प्रोफेसर साहब है पाकिस्तान में, वो उर्दू से इंग्लिश भी सिखाने की उनकी सॉरी उर्दू से जर्मन सिखाने की उनकी वीडियोस मौजूद हैं। क्या चाहिए और आपको, स्कूल आपके हाथ में है, अपॉर्चुनिटीज आप लोगों ने मुफ्त में वीडियोस बनाई हुई हैं, एमआरसी मुफ्त में काम कर रहा है, उमर भाई भी मुफ्त में काम कर रहे हैं, प्रोफेसर साहब मुफ्त में जो है वो लैंग्वेज कोर्स चढ़ाया हुआ है B1 तक, ए लेवल से लेके B1। कुछ लोगों को लेवल की समझ नहीं आती, ए होता है लेवल नॉर्मल, बिल्कुल A1 A2 जो है वो नॉर्मल इनिशियल, आप लोग कम्युनिकेट कर सकें, एक दो जुमला बोल सकें, जी मैंने जी समोसों वाली दुकान पे जाना है, मैंने जी बिरयानी की प्लेट कहाँ से मिलेगी, मैंने जी बादशाही मस्जिद लाहौर पहुंच के जो है वो कहाँ पे है, किससे पूछना है, ट्रेन से, इस तरह की छोटी छोटी बातें। B1 लेवल थोड़ा सा ऐसा होता है कि आपको सुनने में और रीड करने में थोड़ी बहुत आसानी हो, और तकरीबन जबान आपको 30-35% समझ आना शुरू हो जाए। आसानी के लिए बता दूं कि आइल्स के 4.5 बैंड्स समझ लें कि जर्मन लैंग्वेज के B1 लेवल है, यानी आप लोग 9 में से अगर हाफ पार्ट्स देते हैं तो ये B1 लेवल समझ लें, जो लोग आइल्स को समझते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज का जो टेस्ट होता है उस रिलेटेड। तो मेरी नजर में तो ये है जो बातें मेरे जहन में थी जनरल लेवल के हवाले से। तो आपको यू हैव टू वर्क हार्ड, यू नो अभी ऐसे नहीं है कि ऐसे ही हो जाए, ट्रिकी है, आसान नहीं है। बहुत से लोग वीडियो स्कैन पे ये भी कहते हैं उमर भाई जो आप बता रहे हैं वो इतना ईजी नहीं है, तो भाई इजी कुछ भी नहीं है, इजी तो पानी या गिलास पीना भी नहीं है, और फ्यूचर में आप लोग देखेंगे कि पानी भी बड़ी मुश्किल से हमें मिलेगा। उमर भाई, वो हम लोग इतना कह रहे होते हैं ना कि जन्नत की ख्वाहिश तो हर कोई रखता है, लेकिन उसके लिए मरना कोई नहीं चाहता। तो ये कंडीशन तो है,
इमरान भाई प्लीज कंटिन्यू, और लेकिन इमरान भाई उसमें थोड़ा थोड़ा सा सा बस दूसरा यही है कि बहुत शुक्रिया आपने, जो मेरा अगला क्वेश्चन था कि आप थोड़ा सा जो लैंग्वेज लेवल्स हैं उनके बारे में बता दें, वो ऑलरेडी आपने जो है वो बता दिया। तो हम खुद अपने सेशंस के अंदर लोगों को यही बताते हैं और लोगों को इस बात पे थोड़ा सा मोटिवेट करते हैं, लोगों को अवेयर करते हैं कि अगर आप कहीं भी जाना चाहते हैं तो देर शुड बी अ रीज़न। हमारे पास तो रीज़न है कि हम जाना चाहते हैं, हम बेहतर रोजगार के लिए जाना चाहते हैं, बेहतर लाइफस्टाइल के लिए जाना चाहते हैं, बट एक रीजन ये भी होनी चाहिए कोई आपको अपने मुल्क में या अपने घर में क्यों आने दे। बिल्कुल जब आपके पास वो रीजन होगी तो देर इज नो रीजन कि आपको कोई रिफ्यूज करेगा या आपकी बिल्कुल सही डिमांड बात। नहीं। तो इसी सिलसिले में आज एक छोटी सी हमारी ये काविश भी है, क्योंकि हमारा बहुत से लोगों को ये क्वेश्चन जर्मनी के हवाले से होता है। अभी अगर रिसेंटली अगर चैट बॉक्स में देखें तो उमर भाई कमेंट बॉक्स में जो है एक दो उमर असफ भाई पढ़ सकते हैं, बिकॉज के वो जर्मन में ज्यादा लिखा हुआ है कमेंट में। जी, कौन सा वाला अच्छा कमेंट? नहीं इमरान भाई, उसके लिए मैं उसके लिए रिक्वेस्ट ये करूंगा कि एक तो गूगल ट्रांसलेटर हमारे पास अवेलेबल है, क्योंकि एक स्पेसिफिक को करेंगे तो फिर उसके अंदर इशू रहेगा। उसके अंदर हम लोग मजीद उमर साहब की भी हेल्प आउट ले लेंगे मुझे सिंगल, एक क्योंकि ऊपर एक और एक भी अगर कुछ एक कमेंट एक थे। जी सेकंड दें, एक सेकंड अगर आप दें जी तो उमर भाई मुझे एक बड़ी मजे की, मैंने कमेंट पढ़ा, रिजवान खान का लिखा हुआ है, वन एम्प्लॉयर सेंड मी दिस, उन्होंने ये उनकी जुबान में मैं पढ़ रहा हूँ, अब मैं इसको पढ़ूंगा, मैं आपको बता दूंगा, एक सेकंड मुझे लगेगा। Ich bitte Sie, alle जी schreiben जी Unterlagen und Nachweise in deutscher Sprache einzureichen. अभी उसके एम्प्लॉयर ने पता क्या लिखा हुआ है, उसने जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ है, उसके एम्प्लॉयर ने लिखा हुआ है कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, जो आपकी तमाम राइटिंग है, उंटरलागन कहते हैं डॉक्यूमेंट्स को, नाखवाइजे कहते हैं जो आपके सर्टिफिकेट्स से रिपोर्ट्स हैं, इन डॉच स्प्राहे आइंस, वो कह रहे हैं कि प्लीज ये सारी जर्मन जुबान में, डॉच स्प्राहे कहते हैं जर्मन को, डॉच कहते हैं स्प्राहे जुबान, वो कह रहे हैं कि यस सर जर्मन बिल्कुल जुबान में भेज के मुझे भेजें। यही बात मैं अभी आपसे 15 मिनट पहले कह रहा था, दस कह मिनट पहले, कि प्लीज सीवी अनश्राइबन जर्मन में बनाए, ईमेल जर्मन में करें। देखें वो हमारे सामने प्रूफ भी आ गया है, और ये यस देखें ये बहुत बड़ी सक्सेस है इस बंदे की, यकीन करें। लोग हजारों बंदों के ईमेल्स करते हैं, सैकड़ों को भी करते हैं, मैं बंदों को जानता हूं जो 4 4 साल से ईमेल्स कर रहे हैं, मुझे उन्होंने बोला हुआ है, आंसर नहीं आते, इतना जबरदस्त आंसर आना बहुत बड़ी बात है, जर्मन एम्प्लॉयर अगर आपको आंसर कर रहा है ये बहुत बड़ी बात है, इसका मतलब है वो आपके साथ, आपकी स्किल के साथ आगे चलना चाह रहा है, ये उनको, ये जो रिजवान खान है इनको जर्मन जबान में करके किस तरीके से अपने सर्टिफिकेट्स ट्रांसलेट करवा के कहीं से भी किसी भी तरीके से इनको भेजें, बहुत अच्छा चांस है कि इनका आगे सक्सेस बने जॉब में। थैंक यू, मैं भी इसी की बिल्कुल बात ठीक कर रहा बात हूँ। है। और भाई असल में पता है क्या, अपॉर्चुनिटीज आपके इर्द गिर्द हमेशा मौजूद होती हैं, लेकिन ये सिर्फ आपकी अपनी हिम्मत है, आपकी अपनी काविश है कि आप किसको ग्रैब कर लेते हैं। इन फ्यूचर मैं कोशिश ये करूंगा कि इस सेशन की जितनी भी डिटेल्स हैं उसको अपनी वेबसाइट के ऊपर भी एक डॉक्यूमेंट फॉर्म के अंदर बना के वहां पे पोर्ट्रे कर दूं, ताकि जितनी भी इंफॉर्मेशन, जिस तरह से लैंग्वेज के लेवल्स हैं, जो जो चीजें आपने किस तरीके से आप अपने वैलिडेट करवा सकते हैं अपने स्किल को, वो सारा जो भी प्रोसेस है, जो जो इंस्टीट्यूट्स अवेलेबल हैं जर्मनी के अंदर, उसको मैं उसके अंदर डिफाइन कर दूं, ताकि एक लाइव सेशन से तो वो इंफॉर्मेशन जो भी है जिस प्रोसेस को फॉलो कर सके, इन द मीन वाइल रिटन एक इंफॉर्मेशन उसको पूरा प्रोसेस पता लग जाए कि किस तरीके से करना है। एंड सेकेंडली आई एम वेरी मच ग्रेटफुल, और मैं दुआ इस चीज के साथ करता हूँ कि अल्लाह ताला जब ग्राउंड के ऊपर हम जिन लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं उनको भी ये वाली समझ दे दे कि वाकई में जिंदगी इतनी आसान नहीं है, और जो मैंने इससे पहले मिसाल दी थी। तो और कुछ नहीं कुछ नहीं, जो आपने भी बड़ा अच्छा एलाबोरेट किया कि अपनी जिंदगी को इतनी मुश्किल के अंदर डालते हैं, उससे बेहतर है कि कोई ट्रेड जरूर सीखे और उसके बिहाफ के ऊपर अप्लाई करें, ताकि इज्जत के साथ जाए और मुल्क का भी नाम बदनाम ना हो, इज्जत से लोग उसको एक्सेप्ट करें। इमरान भाई अगर आपका कोई क्वेश्चन ना हो तो मैं उमर साहब से भी फिर इजाजत लेना चाहूंगा और इस सेशन को वाइंड अप करना चाहूंगा। उमर भाई कुछ आपके आखिरी अल्फाज इस सेशन को लेके। बिल्कुल लास्ट में सिर्फ 1 मिनट में लूंगा, आप लोगों का शुक्रिया, आप लोगों ने मुझे मौका फराहम किया कि मैं अपनी जो कुछ थोड़ी सी 3 4% नॉलेज है वो शेयर कर सकूं लोगों के साथ, और स्वाबे दरायन का हिस्सा बन सकूं जो आप लोग जो है वो हासिल कर रहे हैं अकेले अकेले छुप के। तो बहुत से लोगों को मैं बताना चाहूंगा, अपनी वीडियोज में भी बताऊंगा कि MRC का हिस्सा बने, प्लीज इन लोगों की हेल्प भी करें, सपोर्ट भी करें अपने अपने इलाकों में जहाँ पे जाते हैं,
और अगर मैं आप लोगों की जगह होता और मेरे इलाके में आते तो मैं इन सब के लिए खाना भी लेके जाता। तो बहुत अच्छी एफर्ट्स कर रहे हैं, प्लीज इनका साथ दें, इनकी बात सुने, ये आप लोगों के बेनिफिट के लिए कर रहे हैं। और ये लोग फ्यूचरिस्टिक काम कर रहे हैं, जैसे गवर्नमेंट ने दरख्त लगाए थे तो वो दरख्त अभी फौरी फायदा नहीं देंगे, लेकिन फ्यूचर में आप मुझसे कसम भी उठवा ले तो मैं कहने को तैयार हूँ कि वो आपको मोटरवे या फिर इंडस्ट्री से भी ज्यादा फायदा देने वाले हैं, वो जो दरख्त लगाए थे हमने पिछले दिनों में केपी के में और पूरे पाकिस्तान में। तो कोशिश किया करें, बहुत से अफराद जो हमारी बातों को, मेरी बातों को, इन लोगों की बातों को जो है वो सिर्फ और सिर्फ ये सोच लेते हैं कि अभी ये शॉर्ट टर्म में नहीं, हम लोग सिर्फ आपको नहीं समझा रहे, हम अपने आने वाली पूरी जनरेशन को समझा रहे हैं। ठीक है, मेरे अगर यहाँ पे मेरी जनरेशन, मेरी औलाद अगर यहाँ पे रहेगी फ्यूचर में, तो मैं एक ऐसा मुल्क देखना चाहता हूँ जिसके बंदों की दुनिया में इज्जत भी हो, जो अच्छा पैसा भी बनाए और लीगल तरीके से दूसरे मुल्कों में जाए। मैं मेरे समेत मैं खुद सबसे ज्यादा गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करता हूँ बाहर के मवाके को अवेल ना कराने की वजह से, शाकी भी रहता हूँ, लेकिन नंबर एक तो मेरे से कासा लेसी नहीं होती, मैं हाशिया बर्दारी नहीं कर सकता गवर्नमेंट के किसी काम की, लेकिन अभी करूंगा इस वजह से कि कुछ देखें, कुछ आपकी भी जिम्मेदारी है, आपकी बतौर अवाम भी जिम्मेदारी है। प्लीज अब गवर्नमेंट क्या है कि एक बंदे पे सर्वेलेंस लगाए, उसको रोके, जी आप लोग इलीगल जा रहे हैं दूसरे मुल्कों में, प्लीज खुद भी यार कोशिश करें थोड़ी सी, यार कोई कोई इज्जत होती है बंदे की, उसको मेंटेन करें थोड़ी सी मेहनत से बचने के लिए। आप लोग इलीगल बॉर्डर क्रॉस करते हैं और फिर उमर भाई, इमरान भाई और फिर उमर दूसरे भाई जी आप लोगों की मिन्नतें करते रहते हैं यार लीगल तरीके से आए, खुदा की कसम आप लोग इलीगल तरीके से आएंगे, रिस्पेक्ट नहीं होगी आपकी। नंबर दो, जॉब अपॉर्चुनिटीज आपको जीरो हैं। नंबर तीन, इलीगल वे से आएंगे आप लोग, सेटलमेंट करते करते आपको 10-12 साल लग जाएंगे। ठीक है, नंबर चार, आप लोग जो हैं वो किसी भी तरीके से स्किल लेवल अपना इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हर नहीं। वक्त आप लोग सर्वाइवल के पीछे लगे रहेंगे, आपको दुत्कारा जाएगा, दफ्तरों में बेइज्जती की जाएगी, जहां पे जाएंगे पूछा जाएगा कहाँ से हैं, पाकिस्तान, ओहो, वो यही जेन में सोचते हैं यार ये लोग कब बॉर्डर क्रॉस करना हमारा छोड़ेंगे। जैसे आखिरी बात कहूंगा जो इररेलीवेंट है इस कॉन्टेक्स्ट में, मेरी अभी मैंने एक वीडियो अपलोड की थी और साथ मैंने एक आर्टिकल भी लिखा था कि ग्रीस जो है पाकिस्तानियों को सीजनल वर्क वीजा देगा 5 साल का फ्यूचर में। अभी जो उनके इमिग्रेशन मिनिस्टर पाकिस्तान आए हुए थे, उन्होंने बकायदा जुबान दी है पाकिस्तान को, मानेंगे या नहीं मानेंगे फ्यूचर में मुझे नहीं पता, उनके इस बात पे जो वो यहाँ पे वादा करके गए इमरान खान के साथ, हमारी गवर्नमेंट के साथ वापस गए, तो उनके अखबार ने एक खबर लगाई कि पाकिस्तान के जो जो हैं वो होस्टाइल रवैये के बावजूद भी यूनान जो है वो पाकिस्तान को तोहफा दे रहा है। क्यों? उसमें उन्होंने पूरे आर्टिकल में पूरा ब्रेक डाउन किया कि कैसे पाकिस्तानी इलीगल ग्रीस में आते हैं, वहां पे इलीगल रहते हैं, और उसके बावजूद कि गवर्नमेंट ऑफ ग्रीस जो है उसने रिपेट्रिएशन एग्रीमेंट करने के बगैर ही पाकिस्तानियों को ये तोहफा दे दिया, जो कि पूरा होगा नहीं मुझे नहीं पता फ्यूचर में, लेकिन इतनी ज्यादा तनकीद की गई। मुझे वो रिपोर्ट्स पढ़ के, मैंने कुछ अखबार पढ़े उनके ग्रीस में जो थे वो ट्रांसलेट करके गूगल ट्रांसलेटर पे, मुझे इतनी शर्म आई कि किसी एक अखबार ने भी अप्रिशिएट नहीं किया जो इमिग्रेशन मिनिस्टर ने ये बयान दिया, एक अखबार ने भी, मेरी जो अपनी रिसर्च है, किसी की रिसर्च और होगी वो बात की बात है, एक अखबार ने भी, होता है ना कि मैं एक अग्रीमेंट करके आता हूँ इमिग्रेशन मिनिस्टर को, अपने मुल्क में आता हूँ, मुझे वाह वाह मिलती है, वाह जी आप लोग सीजनल वर्क वीजा के लिए 5 साल का मुआहदा करने जा रहे हैं आगे पाकिस्तान से, 5 साल का वीजा दिया जाएगा पाकिस्तानियों को फ्यूचर में, नहीं, उन्होंने कहा जी ये लोग यहाँ इलीगल आते हैं, इलीगल रहते हैं, निजाम को खराब करते हैं, जॉब मार्केट को खराब करते हैं, हालात को खराब करते हैं, बॉर्डर कंट्रोल को रिस्क पे लेके आते हैं, तुर्की से इलीगली एंटर होते हैं, और आप लोग उनको तोहफे दे रहे हो, पहले इनके साथ एक सिस्टम तो बना लो। लेकिन उसके बावजूद मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने इस इतने इतने ये बहुत डिफिकल्ट कंट्री थी ग्रीस के साथ ये, और बहुत जबरदस्त एफर्ट की पाकिस्तान ने। और एक छोटा सा एक रिक्वेस्ट है मेरी पाकिस्तानी गवर्नमेंट के ऑफिसर्स के साथ भी आपके थ्रू, कि प्लीज एक इंडस्ट्री सपोर्ट प्रोग्राम जर्मनी ने स्टार्ट किया था वो रुका हुआ है, उसको प्लीज आगे लेके चलें, बहुत से लोग जो हैं वो मुझे ढूंढ रहे हैं बुरा भला कहने के लिए, क्योंकि मैंने उसको बहुत प्रमोट किया था, तो प्लीज रिक्वेस्ट है, आप लोगों ने बहुत जबरदस्त इनिशिएटिव उठाया था, प्लीज उसको कंटिन्यू करें और उसकी फाइल खुलवाएं कि इंडस्ट्री सपोर्ट प्रोग्राम जो था हाउस बिल्डिंग अप्रेंटिसशिप के लिए वो कहाँ तक पहुंचा, उसके लिए आप लोगों ने थोड़ी सी फीस भी ली लोगों से, कुरानदाजी के थ्रू लोगों को एंटर भी कराया सिस्टम में फॉर्म लेके, एक यूनिवर्सिटी थी इस्लामाबाद की, मुझे नाम भूल गया सॉरी, उसके थ्रू सारा काम हुआ था, एक बोर्ड था उसके थ्रू भी इंडस्ट्री सपोर्ट प्रोग्राम, आप लोग सर्च करें, आप प्लीज उसके लिए भी, आप लोग भी अगर उमर भाई इमरान भाई अगर आप लोग थोड़ी सी आवाज उठा सकें कि वो प्रोग्राम कहाँ तक पहुंचे और वो कम पढ़े लिखे लोगों के लिए ही था, और अगर उस तरह का प्रोग्राम मजीद बढ़ाए जाए
वो देखें, वो चीज, वो असल चीज है, वो कोलिशन थी पाकिस्तानी गवर्नमेंट की और चैम्बर ऑफ कॉमर्स जर्मनी का था उसके दौरान, उस तरह के प्रोग्राम जो है वो लेके आए तो बहुत बड़ा फ्यूचर में फायदा हो सकता है। और आखिरी बात, जर्मनी को इंडस्ट्री समझें फ्यूचर में पाकिस्तानियों के लिए, इसलिए जैसे हमने 1960 में इग्नोर किया था और अभी हम कह रहे हैं काश पाकिस्तान लेबर दे देता उस वक्त, काश दे देता, ये एक और चांस आया है, आज से 60 साल बाद दोबारा हमें ना पछताना पड़े। बस ये मेरी थोड़े को बहुत ज्यादा समझना चाहिए हर बंदे को। बिल्कुल ठीक हो गया जी उमर भाई, थैंक यू वेरी मच। एंड व्हाई नॉट, जो आपकी तरफ से रिकमेंडेशन थी, विल डेफिनेटली डिस्कस ऑन इट। मजीद यही है कि जो भी आपने चीजें कही, ऑब्वियसली पाकिस्तानी के लिए ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, नहीं फॉलो उसको करते, उसकी वजह से ओवरऑल पूरे ब्रॉडर स्पेक्ट्रम के अंदर पूरी नेशन को वो चीजें फेस करनी पड़ती हैं, और अक्सर औकात इसी से मिलती जुलती एग्जाम्पल्स ही हम लोग देते हैं। सेशन को जी कंक्लूड करूंगा, वाइंड अप करूंगा, आपका बहुत शुक्रिया उमर भाई, इमरान भाई, आपने क्वेश्चंस किए रियलिटी बेस्ड, कम्युनिटी बेस्ड, जो सिनेरियोज हम लोगों ने रखे उसको बहुत बेहतरीन तरीके से उमर भाई ने एड्रेस किया। ऑब्वियसली कुछ ना कुछ आप मेहनत करेंगे तो ही आप किसी चीज़ के अहल होंगे, जो उस चीज़ का हम खुलासा इस पूरी जो स्किल्ड लेबर की रिक्वायरमेंट के हवाले से हम करेंगे, और जो लोग टोटली इलिटरेट हैं उनके हवाले से ये मैसेज था। बाकी जी सारा प्रोसेस उमर भाई ने बता दिया है, ये फेसबुक के ऊपर वीडियो हर टाइम अवेलेबल होगी, इंशाल्लाह आने वाले दिनों के अंदर एक डॉक्यूमेंट भी इसके ऊपर जरूर बना दिया जाएगा, और आई एम वेरी मच होपफुल कि उमर भाई आने वाले दिनों में भी हमारा साथ इसी तरह देते रहेंगे। और क्योंकि जर्मनी हर किसी की एक डेस्टिनेशन नहीं है, मुख्तलिफ पाकिस्तानी की मुख्तलिफ डेस्टिनेशन है, और जिस तरह से आप एजिंग फैक्टर की बात कर रहे थे तो और भी यूरोपियन कंट्रीज के अंदर इस तरह की अपॉर्चुनिटीज हैं, आपके फेसबुक पेजेस पे भी हम देखते रहते हैं, तो उनको थोड़ा सा और अलैबोरेट करेंगे ताकि चीज़ों का लोगों को बेहतर तरीके से पता लग सके। इंशाल्लाह जी, थैंक यू वेरी मच उमर भाई, आपके साथ नेक्स्ट मंथ मुलाकात करते हैं, और अपने तमाम देखने वालों से करते हैं कि चीज़ों को हमारे साथ रहें और उन चीज़ों के ऊपर अमल करते रहें। इमरान भाई, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी, मैं एक आखिरी बात जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके लिए, जो बाद में भी देखें उनके लिए, कि ये बहुत इंफॉर्मेटिव सेशन है, खसूसन जर्मनी जो जाना चाहते हैं उनके लिए, इस फेसबुक लाइव सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो शेयर करें, ताकि ये जो बातें हैं, ये मालूमात हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है वो पहुँच सकें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो इससे इस्तेफादा हासिल कर सकें। बिल्कुल जी बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच आप सबको, तमाम उमर भाई, आपको, इमरान भाई, थैंक यू वेरी मच जी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।